एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। मेरा नाम है विजय गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की इंटरनल असेसमेंट की डेट्स को लेकर, जो कि फाइनली सोल की तरफ से डिक्लेयर की जा चुकी हैं। एज आप सब अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये है उनका टेंटेटिव एक शेड्यूल ऑफ द इंटरनल असेसमेंट। तो आज की वीडियो में सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के इंटरनल असेसमेंट के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है बिकॉज इंटरनल असेसमेंट उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आप हमारे साथ ऑनलाइन मोड पर बहुत सारी क्लासेस भी अटेंड कर पाएंगे। तो देखिए, ये जो नोटिस है, सबसे पहले बता दूं, ये एक टेंटेटिव टाइमिंग है कि किस दिन आपके इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट होंगे। और मोस्ट ऑफ द केसेस में पता है क्या होता है, आपका जो टेंटेटिव डेट शीट होता है ना, वही आपका फाइनल डेट शीट भी होता है। तो इसके हिसाब से आप मान के चलिए आपके एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स का जो इंटरनल असेसमेंट है वो 4 मई से स्टार्ट होगा और 20 मई तक चलने वाला है। उसके बाद अगर हम चले अपना बीए ऑनर्स इंग्लिश में, तो 4 मई से स्टार्ट होगा और 20 मई तक चलेगा इनका भी सेमेस्टर सेकंड और फोर्थ का। सेमेस्टर सिक्स को अभी हम छोड़ देते हैं। सेमेस्टर सेकंड में चले तो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस 11 मई से शुरू होंगे आपके इंटरनल असेसमेंट। सेमेस्टर फोर में अगर चलें बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, तो 4 मई से स्टार्ट होंगे और 20 मई तक आपके इंटरनल असेसमेंट चलने वाले हैं। उसके बाद अगर हम चलें सेमेस्टर सेकंड के अंदर, बीए ऑनर्स साइकोलॉजी 4 मई से स्टार्ट होंगे, 20 मई तक चलेंगे आपके इंटरनल असेसमेंट। एंड फर्दर देखें अगर सेमेस्टर सेकंड और फोर्थ का, बीकॉम ऑनर्स के इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट होंगे 11 मई 2024 से, ठीक है। उसके बाद आपका जो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका जो कोर्स है, उसके भी 4 मई से स्टार्ट होंगे और 20 मई तक चलेंगे। उसके बाद अगर हम फर्दर बात करें बीए प्रोग्राम का, सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर का, बीएमएस का पहले लेते हैं। बीएमएस आपका 4 मई से स्टार्ट होगा, 20 मई तक अगेन। बीए प्रोग्राम जिसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं डीओएसएल के अंदर, 27 अप्रैल से ही आपका इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट कर दिया जाएगा। मे बी बिकॉज बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो शायद एसओएल ये कोशिश करेगा कि बीए प्रोग्राम के इंटरनल असेसमेंट को पहले खत्म कर दिया जाए। उसके बाद आगे देखते हैं बीकॉम प्रोग्राम के, 27 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं, बीकॉम प्रोग्राम के भी पहले स्टार्ट किए जा रहे हैं औरों के कंपैरिजन में। तो इस तरीके से ये आपका पूरा की पूरा शेड्यूल है जब आपके इंटरनल असेसमेंट टेंटेटिवली स्टार्ट हो जाएंगे। और मैं आपको इनिशियली बता चुका हूं, टेंटेटिव का मतलब ही आप समझिए ऑलमोस्ट फाइनल होता है। हालांकि फाइनल डेट शीट जब आएगी तो मैं आपको अपने चैनल के थ्रू जरूर अपडेट दूंगा कि किस किस दिन आपको किस तरीके से अपने एग्जाम देने हैं। और ये आपके ऑनलाइन मोड पर होंगे, एलएमएस पोर्टल के थ्रू ये एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं और एमसीक्यू मोड पर ही ये एग्जाम अभी तक होते आए हैं। तो आगे भी उम्मीद है कि एमसीक्यू मोड पर ही आपको ये सारे के सारे पेपर अपने देखने को मिलेंगे। ऑनलाइन मोड पर आप अपने घर पर बैठकर इन पेपर्स को कर सकते हैं। और हाँ, इंटरनल असेसमेंट देना बहुत बहुत कंपलसरी है, ठीक है। तो प्रोग्राम वाइज मैंने आपको बता दिया किस किस डेट से एक्सपेक्टेड है कि आप लोगों के इंटरनल असेसमेंट में स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिस भी कोर्स के आप स्टूडेंट हैं उसके हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि कब हमारे इंटरनल असेसमेंट सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के स्टार्ट होने वाले हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल, बिकॉज लेटेस्ट अपडेट आपको लगातार देता रहूंगा। और हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जरूर जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हम मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।